शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर, जम के बोलिए पिपलेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक अवतार है पिपलाद अवतार, पिपलाद अवतार, जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया है, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा, अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगा, नहीं पिपी, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे, मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुभाष ने दो पत्थर उठाए अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया, पीपल की कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव, शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम, और दिया धन सुवाच ने उसके बाद प्राणों को त्यागा, और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे माता के गर्भ में बच्चा रहता है उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा, अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, मैं हमें इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता, कभी भी याद रखना संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती, अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं, किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है, भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया, भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया, नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती, किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा, उसने दिया है पेट तो भरेगा वही, हम काय को अपने माथे पर ले,
मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा, जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती, जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख, शिव का भजन कर, एक लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा, शिव से भजन करने में क्या देरी, नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में, बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया, पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे, भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे, कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी याल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं, पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखूं महाराज ने क्या क्या बोला, तू लगा रस।